हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए दिन एक और नए व्लॉग में। क्या ही ठंडा वेदर है, मतलब सडनली ऐसा लग रहा है राजस्थान से हिमाचल पहुंच गए। इतनी जबरदस्त, पीछे कूड़ा देख लो, इतनी जबरदस्त ठंड है ना। यही ठंड का वेट कर रहे थे हम। एक और चीज़ दिखाता हूँ, पता नहीं कौन सा जानवर है, उसने क्या ही जबरदस्त बनाई है। रुको, ये देखो इसका रास्ता क्या है, पता नहीं अंदर तक जा रहा है, क्या बनाया है इसने, क्या जानवर है कुछ नहीं पता। और एक घर के बिल्कुल साथ है, तो मम्मा तन्नू मेरे साथ जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा काम है। ये देखो ये भी रेडी हो गया, रेडी हो गया। देखो कह रही मैं सुंदर लग रही हूँ, मुझे भी ले लो आज। तो ये रेडी हो गया, मम्मा भी आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ ऑलरेडी। इनको ड्रॉप करके फिर काम पर भी जाना। खाली पेट का एक मुझे फ़ायदा अभी नज़र आया, आपका माइंड क्लियर चलता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। माइंड क्लियर से याद आया ध्रुव, इमोशनल डैमेज, बिल्कुल अनक्लियर बंदा जिंदगी में। तो अभी हम जा रहे हैं टेस्ट कराने, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाली पेट आया हूँ। माइंड तो क्लियर है पर पेट साथ नहीं दे रहा। तो एक होता ना, एक फास्ट आपने सोचा तो एक अलग माइंड सेट होता है, पर अगर वैसे भूखे हो ना तो भूख लगती रहती है। जल्दी से जाके टेस्ट कराते हैं और फिर आगे कुछ खाते हैं। हर बार साले कितना खून निकाल लेते हैं, फिर इतना कितना, एक इंजेक्शन भर के निकाल लिया ना। हाँ जी हाँ जी, एक इंजेक्शन भर के खून निकाल लिया, ऊपर से खाया कुछ नहीं। मैं जा रहा बेहोश हो रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। थोड़ी देर भूखे रहने के बाद खाना खाने का जो स्वाद है ना, वो अलग ही है। आज हमारे फ्रेंड भी नए आए थे जो हमारे साथ धूप सेक के हम खाते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर अमरूद आए थे, मैं दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि थोड़ी भूख ज़्यादा लगी थी, तो मैं खा गया फटाफट। अभी बस 4 बजे आनी है टेस्ट की रिपोर्ट। होपफुली सारी रिपोर्ट सही आए, और वो रिपोर्ट गलत साबित हो जाए फिर उनके भी वेबसाइट पे आकर रिव्यू देंगे कि कैसे लोगों को ठगते हैं ये लोग। और अभी लंच का मन नहीं हो रहा क्योंकि फिर अभी रोटी खाई थी, वो थोड़ी हैवी थी। देखते हैं क्या करना। हम जा रहे हैं रिपोर्ट्स कलेक्ट करने, पर मुझे वैसे ही अपनी तबीयत डाउन लगने लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे ठंड सी लग रही है सडनली, पता चले रिपोर्ट सही है और वैसे बुखार चढ़ गया, पर नहीं मुझे लगता ठीक ही आएगी। हाय गाइस, तो आज प्रीशा का है 10 मंथ बर्थडे और हम काटेंगे अभी केक। ये है प्रीशा का केक 10 मंथ बर्थडे का, और अभी हम काटेंगे प्रीशा का केक। हाय गाइस, तो मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर से। ये है मेरे दादा और प्रीशु के है परनानू। हाय बोल दो बाबा, हाय बोल दो, ऐसे ऐसे कर दो। इनको थोड़ा सुनाई नहीं देता है, तो ये देखो इजी। रिपोर्ट्स आ गई हैं भाई, हुआ जिसका डर था। ओह डर नहीं, जिसकी उम्मीद थी। पुराने वाली रिपोर्ट्स गलत थी, ये वाली रिपोर्ट ठीक है। उसने वैसे देखा तो ऊपर ऊपर से, पर बोला यही है कि सब कुछ ठीक है। मुझे लग भी रहा था सब कुछ ठीक ही होगा। चलो एक बार वहम था, निकल गया, सब सही आया। मेरी रिपोर्ट्स फिर भी एक सेकेंड ओपिनियन लेंगे हम, पर एज ऑफ नाउ सब ठीक है। बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, सडनली पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। रेस्ट कर रहा हूँ अंदर, बुखार ना हो जाए मुझे ऐसा लग रहा, पर पता नहीं सडनली हुआ एकदम से। मुझे पहले लगा गले में जैसे कुछ हुआ होता है। घर जाने का मन कर रहा, पर देखता हूँ शायद थोड़ी देर में फ़र्क पड़ जाए, नहीं तो घर जाऊँगा। नहीं तबीयत ठीक लग रही, तो मुझे लगा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले भी मेरे साथ हुआ था जब मैं पुराने ब्रांड में था, अगर आपको याद होगा तो, बेबी अग में। तो मेरी तबीयत वहाँ पे ऐसे ही ख़राब हुई और मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। और फिर जो मेरी हालत हुई थी, क्या ज़बरदस्त वॉमिटिंग हुई थी मुझे, और मतलब मैं पूरा घूम गया था उस वॉमिटिंग में। तो आई थॉट इससे पहले कि तबीयत ज़्यादा बिगड़े, मैं टाइम से घर चला जाऊँ, थोड़ा रेस्ट करूँ ताकि कल के लिए फिट हो जाऊँ, वरना ऐसे ही आज फालतू में बॉडी को पुश करूंगा और कल का दिन भी अलग से ख़राब जाएगा।
इससे बेटर ये है कि आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, कुछ कॉफी या सूप या कुछ ऐसा हल्का फुल्का लेके रेस्ट करो, ताकि कल फिर से पूरी एनर्जी के साथ वापस आ सको। तो चलो अभी घर चलते हैं। एक्चुअली मैं एक और बात बतानी थी, जो मैंने लास्ट टाइम जो रिपोर्ट्स कराई थी, अभी उसका मैं ये ऊपर डाल दूंगा लिंक, आप वो देख सकते हो व्लॉग। तो मैंने उनसे बात की, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जी हमारी गलती नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। ड्रास्टिक चेंज आया रिपोर्ट्स में, ड्रास्टिक। दे आर लाइक के सर आपने कुछ मेडिकेशन लिया होगा ऐसे वैसे। मैंने कहा भैया मैंने तो आपकी रिपोर्ट इग्नोर ही कर दी थी, मेडिकेशन तो बहुत दूर की बात है, मतलब मैं तो नॉर्मली अपना जो नॉर्मल रेगुलर डाइट है वही ले रहा हूँ, ऐसा एज सच कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो मैंने ली नहीं है, क्योंकि जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे कोई सिम्टम्स तो है ही नहीं। तो दे आर लाइक नहीं सर अब हम नहीं कर सकते हैं ऐसे वैसे। मैंने कहा भैया मेरा कंसर्न यही था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो अबाउट द फीडबैक कि आप लोग जो गलत कर रहे हो, बट आपको पता हो कहाँ मानने वाले थे। एनी हाउ फिर भी मैंने उनका जो अपनी तरफ से फीडबैक दे दिया, बट आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है, मैंने तो गलती कर दी है, ऐसी साइट्स पे अभी ट्रस्ट मत करो, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ठीक है, स्पेशली हेल्थ के मामले में। ठीक है शॉपिंग एंड ऑल सही है, बट स्पेशली हेल्थ के मामले में ये चीज़ें अभी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। और आप जो है प्रॉपर ही अपना किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास जाके, जहाँ से आप कराते हो रेगुलरली, या जो कोई है जो भी डॉक्टर नोन वगैरह है, तो वहीं पे आप प्रेफर करो, क्योंकि अब ऐसे ऑनलाइन वाले अभी पता नहीं अब क्या ही है। चलो एनीवेज अभी मैं घर जाता हूँ और घर जाके मिलता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने घर आके, और अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, खाना खा लिया मैंने, सूप पिया पहले, तो अभी थोड़ा मतलब 50% बेटर फील कर रहा हूँ, अच्छा हो गया घर आ गया था। अब मैं आपको मिलूँगा कल होपफुली फुल रिचार्ज बेटर हेल्थ में। और अभी तक आपने देख ही लिया होगा आज प्रिशा 10 महीने की हो गया, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं उसको और उसकी मम्मा को, यानी प्रिशा और प्रिशा की मम्मा को। हाँ यहाँ आते तो हम भी सेलिब्रेट करते हैं, ये है कि चलो नानी के घर है, नानू भी आए हुए हैं, उसके नानू मैंने आपको बताया नहीं, उसके नानू आर्मी में है, तो वो छुट्टी जब आते हैं साल 6 महीने में एक थोड़े टाइम के लिए आते हैं, तो तब वो चलो उनसे मिल ली, ये भी अच्छी बात है। और एक बार सारे आप कमेंट्स में हैप्पी 10 मंथ बर्थडे प्रिशा कर दो, और मैं आपको मिलूंगा कल। आप तब तक करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जाओ जाके मेरी शॉर्ट्स एंजॉय करो।